जब व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है तो उसे कैसे पता चले कि हमारा मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गायत्री मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज हम आपको लगभग 15 ऐसे लक्षण संकेत बताएंगे जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है। प्रारंभ में किस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं और जैसी जैसी आपकी साधना बढ़ते चली जाती है उसके पश्चात किस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। मित्रों, जब हम गायत्री की साधना प्रारंभ करते हैं तो उस समय व्यक्ति के अंदर आलस्य आता है, प्रमाद होता है, मन नहीं लगता है, बेचैनी होने लगती है। उसकी स्थिति उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक गर्भवती महिला की होती है। जैसे कोई गर्भवती महिला होती है तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, उसको आलस आता है, दिन भर सोई रहती है। तो इस प्रकार का पहले आपको लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपकी साधना परिपक्व होते हुए चली जाती, आदमी के अंदर तेज ओज उत्साह हल्कापन ऐसा उसके शरीर में प्रारंभ हो जाता है, जिस प्रकार से कि गर्भवती जब अपना बच्चा हो जाता है तब फिर वो एकदम जिस प्रकार से हल्का महसूस करती है, इसी प्रकार से जैसे ही आपके अंदर साधना फलित होना प्रारंभ होती है तो साधक उसी प्रकार से फिर अपने शरीर का अनुभव करता है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है उसकी ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुलना प्रारंभ हो जाता है। उसके पहले उसकी दिनचर्या जैसी भी रही हो, 7 बजे सो के उठता हो, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी उठता हो, लेकिन जैसे वो गायत्री की साधना चालू करता है तो वो कुछ दिनों के पश्चात उसे महसूस होता है कि हमारी बगैर अलार्म लगाए हुए भी 4 बजे अचानक नींद खुल जाती है। उसे इस प्रकार से महसूस होने लगता है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उसको जगा रही है, या तो उसको बहुत तेज लघु संज्ञा लग जाती है या अपने आप उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो चाहते हुए भी सो नहीं पाता है। जब तक वो सो करके उठ ना जाए और ध्यान साधना में ना बैठ जाए तब तक उसका मन इधर उधर रहता है। तो उसकी जो है ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना उसका प्रारंभ हो जाता है। यह व्यक्ति के अंदर पहला संकेत दिखाई देता है। दूसरा संकेत, जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उस समय व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बुराइयाँ होती हैं। कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई कभी कभार मांस मदिरा का सेवन कर लेता है, लेकिन जैसे ही आप गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ करते हैं तो आप कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि आपको इन सब चीज़ों से अरुचि प्रारंभ हो जाती है। फिर ना ही आपका कुछ व्यसन करने की आपकी इच्छा होगी और ना ही आपकी मांस मदिरा आदि खाने में आपकी रुचि होगी। तो धीरे धीरे गायत्री साधक को इन चीज़ों में अरुचि प्रारंभ हो जाती है। फिर जैसे उसकी साधना और आगे बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है वो स्थिर होना चालू हो जाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसके साथ ही साथ शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है और मन में एक प्रकार का उत्साह आ जाता है। दिन भर उस व्यक्ति को एक आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। स्त्रियों के प्रति उसका सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र के जब हम जाप करते हैं तो माँ की जो प्रतिमा है वो महिला की होती है।
तो जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके अंदर सर्वप्रथम महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि आ जाती है, उसके अंदर की वासना धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाती है, उसके अंदर जिस प्रकार के कुविचार आते रहते थे वो विचार उसके खत्म होना प्रारंभ हो जाता है, और फिर उसका अनावश्यक रूप से जो हम उल्टे सीधे सीरियल देखते हैं जिससे उत्तेजना बढ़ती है, या गरिष्ठ भोजन करते जिससे उत्तेजना बढ़ती है, इस प्रकार से की चीज़ों से उसको अरुचि होना चालू हो जाती है और वो अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना चालू कर देता है, जिससे उसके अंदर वासना जैसी चीज़ धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाती है। यदि व्यक्ति गायत्री साधक के पास में यदि बैठता है तो उसके शरीर से खुशबू आती है, ऐसा लगता है जैसे उसने कोई परफ्यूम इत्यादि लगाया हो, जबकि वो नहीं लगाया रहता, लेकिन एक बड़ी प्यारी सी उसके शरीर से खुशबू आना प्रारंभ हो जाती है, उसकी त्वचा में चिकनाई आ जाती है। जैसे कई लोगों की खुरदरी त्वचा होती है, चेहरे पे जो है ऊज नहीं रहता है, उसके चेहरे पे एक प्रकार का ऊज आ जाता है, उसकी त्वचा जो है वो चिकनी हो जाती है। गायत्री साधक की संकल्प शक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, वो कोई भी संकल्प लेता है वो उसके पूरे होना चालू हो जाते हैं। साधना कर रहे हैं तो आपको कहीं खुजली चढ़ने लगी तो फिर व्यक्ति सोचता है कि जब तक हम दो माला का जाप नहीं कर लेंगे, तीन माला का जाप नहीं कर लेंगे, तब तक हम यहाँ पर खुजाएंगे नहीं, तो उससे क्या होता है उसकी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होने लगती है, कभी उपवास करने लगता है, कभी दो घंटे तीन घंटे का मौन रखना चालू कर देता है, तो उससे उसको उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, उसका विल पावर जो है वो तगड़ा हो जाता है, फिर वो किसी भी विषम परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता है। गायत्री साधक को वसुदेव कुटुंबकम सारा संसार अपना लगने लगता है, उसके अंदर स्वार्थ और ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है, उसका क्रोध खत्म हो जाता है, उसके अंदर उठती हुई वासनाएं खत्म हो जाती हैं। वासनाएं कई प्रकार की होती हैं, एक स्त्री के प्रति आकर्षण, दूसरा लोभ होता है, वासनाएं होती हैं कि हमारे पास में गाड़ी हो, हमारे पास में बहुत सारा धन इकट्ठा हो, हमारे पास में ये वैभव आ जाए, हमारे पास में वो वैभव आ जाए, तो इस प्रकार की वासना उसके अंदर धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाता है। गायत्री साधक के नेत्रों में एक तेज चमकना प्रारंभ हो जाता है, उससे व्यक्ति आकर्षित होना चालू हो जाते हैं, उसकी आँखों में एक तेज आ जाता है, उसकी आँखों में एक आकर्षण आ जाता है। जो भी गायत्री का साधक होता है, दूसरा व्यक्ति यदि उसे देखता है तो वो उससे वो प्रभावित हो जाता है, उसके परिवार में, घर में, समाज में, सब जगह उसकी प्रतिष्ठा बढ़ना चालू हो जाती है, उससे लोग जो है प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र इत्यादि का प्रयोग यदि कोई करता है तो वो सफल नहीं होता है। कितने बड़े से बड़ा तांत्रिक यदि उसके ऊपर कोई प्रयोग करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा, बल्कि यदि गायत्री का साधक किसी के ऊपर यदि कुछ कर दे तो वो सफल हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर यदि कोई तंत्र का प्रयोग करेगा तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रियाएं सफल नहीं हो पाती हैं। जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है वो दूसरे के मन की बात पढ़ लेता है। कोई व्यक्ति यदि आपके पास में आकर के बैठ जाए और आप थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा करके बैठ जाए तो आप उसके मन की बात पढ़ लेंगे, आपको समझ में जाएगा कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये उसके अंदर एक क्षमता आ जाती है। आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं या आप किसी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बहुत कुछ जान जाते हैं, जो लगभग 100% सही होती है। आप उस व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, ये शक्ति गायत्री साधक में आ जाती है। गायत्री साधक के स्वप्न सही होने लगते हैं। एक तो जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसको स्वप्न वैसी बहुत कम आते हैं, लेकिन यदि वो स्वप्न में अपने किसी प्रियजन का, अपने परिवार का, समाज का, देश का या विश्व की कोई भी घटना यदि वो देखता है तो वो निश्चित रूप से सही होती है। किसी प्रकार की कोई भी घटना देख ले कि अमुक जगह इस प्रकार की घटना घटी है तो वो निश्चित रूप से वो सही निकलती है। गायत्री की जो साधना करता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वो कोई भी बात यदि बोल देता है तो उसकी भविष्यवाणी सत्य हो जाती है, उसकी आपके मुँह से कुछ निकल गया तो वो 100% वो बात सत्य हो जाती है। गायत्री का जो साधक होता भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी कर देता है,
भविष्य में क्या होने वाला है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, वो उन चीज़ों को अंकित कर देता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने अखंड ज्योति में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो आज सत्य प्रतिशत सत्य होती हुई चली जा रही हैं। तो जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है, वो यदि किसी चीज़ की भविष्यवाणी कर देता है तो वो उसकी भविष्यवाणी सत्य प्रतिशत सही हो जाती है। गायत्री का साधक यदि किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए और उसको यदि आशीर्वाद दे दे तो उसका आशीर्वाद पूर्ण रूप से फलित हो जाता है। उसको आशीर्वाद में जो कुछ भी वो बोल देता है वो उसका सही हो जाता है। और यदि क्रोधित होकर के किसी को श्राप दे दे तो उसकी श्राप भी फलित हो जाती है। तो जो गायत्री का साधक होता है उसकी आशीर्वाद भी फलित होता है और उसकी श्राप भी फलित हो जाती है। जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाती हैं तब गायत्री का जो साधक होता है वो अपनी शक्तियों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा कर सकता है। गायत्री के साधक के कोई भी कार्य अधूरे नहीं रहते हैं। उसकी कोई भी समस्या होती है वो अपने आप साल होते हुए चली जाती है। उसको स्वप्न में या किसी न किसी रूप में अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होना चालू हो जाता है। गायत्री के साधक के कभी कोई भी कार्य रुकते नहीं हैं। गायत्री का साधक 24 घंटे प्रसन्न रहता है। वह व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है। वो व्यक्ति ना तो जो बीत गया उसकी चिंता करता है और ना भविष्य में क्या होने वाला है उसकी चिंता करता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीता है। और जो व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया उसकी ज़िंदगी वैसे ही सही हो जाती है। स्वर्ग और नरक वो यहीं भोग लेता है। गायत्री की साधक जब उसको गायत्री की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वो अपने जीवन को इस प्रकार से जीता है जैसे कि मरने के बाद जो हमारे शास्त्रों में स्वर्ग की कल्पना की गई है तो वो अपना जीवन उस भांति जीता है। उसके अंदर की सारी दुष्प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वो स्वर्ग में जिस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन जीता है वैसा जीवन जी करके और फिर अपने देह को त्याग देता है। गायत्री मंत्र फलित होने के पश्चात में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर यानी उसका आवागमन इस मृत्युलोक में बंद हो जाता है। तो मित्रों, ये हमने आपको कुछ गायत्री साधना से संबंधित कुछ लक्षण, कुछ संकेत बताए। यदि इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से माने कि आपकी साधना फलित हो रही है। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपको लाभकारी होगी और आपको समझ में आएगा कि गायत्री मंत्र फलित होने के बाद में आपको कैसे संकेत देता है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपके दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।